हेलो दोस्तों, दमो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2022 विषय गणित कक्षा 9वीं का पेपर आ गया है। ये पेपर, इसमें कुछ आईएमपी ये पेपर हो गया है। इसमें कुछ आईएमपी क्वेश्चन दिए गए हैं। पूर्णांक 80, समय 3 घंटा। प्रश्न 1, विकल्प में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला, बहुपद x5-x4+3 होगी 5। इसमें सही का टिक लगा हुआ है सही आंसर में। दूसरा, आंकड़ों 9-1-7-3-5 का माध्यक होगा। तीसरा, निम्न में अपरिमेय संख्या है। कर्णी 7। चौथा, घन का आयतन का सूत्र है जहां ए भुजा है, ए घन। पांचवा, रैखिक समीकरण के 2 चरों वाला समीकरण है। छठवा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है 60 अंश। निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान होता है। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7 रिक्त स्थान दिए गए हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच खाली स्थान परिमेय संख्या होती हैं। दूसरा, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांटते हैं, उ कक्ष को खाली स्थान कहते हैं। तीसरा, 60 अंश का पूरा कोण खालिस्तान है। चौथा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खालिस्तान होता है। पांचवा, अक्षों की प्रतिच्छेद बिंदु को खालिस्तान कहा जाता है। छठवा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण होते हैं। समान भुजाओं वाले 2 वर्ग खालिस्तान होते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3, सत्तासत्त लिखिए का आ देखिए। त्रिभुज की बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। वाह, मूल बिंदु के निर्देशांक 0.0 होते हैं। सा, प्रेक्षणों के औसत मान को माध्य कहते हैं, सत्य। समकोण में 180 अंश का होता है, असत्य। सबसे कम बारंबारता वाला प्रेक्षण बहुलक कहते हैं। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 में एक वाक्य के उत्तर दिए गए हैं, जो आप देख सकते हैं 6 हैं, उसके आंसर भी कुछ लिखे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, सही जोड़ी बनाइए। इसमें सही जोड़ी सही से जोड़ी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या हैं, लिखिए। 7वां दिया हुआ है, उसका 8वां, 6वें का 8वां, 8 का 8वां, 9वां। आप देख सकते हैं इसमें 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां क्वेश्चन दिए गए हैं।